हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीट इक्वेशन के बारे में। ठीक है कि हीट इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस टाइप से होता है, हमें क्या डाटा गिवन होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके नेट, गेट, सेट, पीएससी एंड जो भी इसे इक्वेलेंट एग्जाम्स हैं जिसमें हीट इक्वेशन आपके सिलेबस में है, तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मेनली मैं बात करने वाला हूँ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग डिफ्यूजन इक्वेशन भी कभी कभी बोलते हैं। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर होता है आपको इस टाइप से होता है, डेल यू डेल टी इज इक्वल टू अल्फा यू एक्स एक्स। ठीक है, या फिर कभी यूं कह लीजिए कि इस टाइप से दिया रह सकता है आपको, ये वाला एक साइड दे देगा, दैट इज यहाँ पे माइनस लिख के। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी किसी भी वे में लिख सकता है, आपको दे दिया डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो दे देगा, जहां पे ए अल्फा क्या है, आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ओके, तो आपका जो हीट इक्वेशन का स्ट्रक्चर होता है स्टेप्स होता है, जहां पे टी पॉजिटिव होता है और जो फाइनाइट लेंथ में हम बात करेंगे तो आपका जीरो टू एल होता है एक्स की लेंथ और अल्फा पॉजिटिव होता है। इसका सोल्यूशन किस स्टेप से करते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारा बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन पे। ठीक है, एक्स यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है एंड टी जो है वो टाइम है। ओके, समझने के लिए था। तो बाउंड्री कंडीशन में जब एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल पे क्या दिया हो, इक्वल टू जीरो दिया हो एंड ई एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स दिया हो, तो उस केस में जो हमारा सोल्यूशन हो जाता है ई एक्स टी इक्वल टू होता है समेशन एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स ई टू माइनस अल्फा इंटू एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत हो सकता है, तो मैं इसको साथ बाय साथ फॉर्मूला भी बताते जाऊंगा, ट्रिक भी बताते जाऊंगा कैसे याद रख सकते हैं। आप ऐसा करिए कि इस एन पाई बाई एल को थीटा मान लीजिए। ठीक है, अब इसको थीटा मान लीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, पूरा समेशन देखिए, ये ई एन बन गया ई एन साइन साइन एन थीटा बन गया, साइन थीटा एक्स बन गया। ठीक है, ए साइन थीटा एक्स बन गया और इस एन पाई बाई एल को माने थे तो इधर बन गया ई के पावर माइनस अल्फा थीटा स्क्वायर टी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा यही वाला, यहाँ पे इसको हमने थीटा मान के यहाँ पे समझा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या होगा एन पाई बाई में एल। ओके, ये याद करने का तरीका था, बाकी आप ना दो चार को प्रॉब्लम करेंगे तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ई एन आपका देखिए, ई एन क्या है, ई एन ई वाला जो ई एन है ना, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया टू बाई एल, एल क्या था आपका एक्स मैक्सिमम कहां तक जा रहा था, तो एल तक जा रहा था, तो टू बाई एल हो गया जीरो टू एल एफ एक्स। एफ एक्स क्या था, ई वाला जो दिया हुआ है एफ एक्स इंटू साइन, अब ये जो थीटा वाला इसको माने थे ना, ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो ई एन है ना, यहाँ पे एफ एक्स लगा के इतना पूरा ले लीजिए, ये देखिए यही है एफ एक्स साइन एन पाई बाई एक्स एल डी एक्स और ये, तो ई आप कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो मैं तरीका बताता हूँ, होता क्या, हमें सभी ई एन नहीं निकालना होता है, हमें कुछ ये एफ एक्स है ना कुछ इस टाइप से दिया रहेगा कि हमें एन का वैल्यू वन या टू इस टाइप से सेटिस्फाई करेगा, बाकी जगह जीरो हो जाएगा, तो उसी दो को हम लोग मतलब उसी दो तीन को जो भी आता है उसी को यूज करके सोल्व करते हैं। अच्छा, सेकेंड, जब बाउंड्री कंडीशन हमारा डेरिवेटिव के टर्म में दिया हो, दैट इज यहाँ पे आप देखिए बाउंड्री कंडीशन किस टाइप से दे दिया, यू एक्स मतलब यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, इसके बाद एक्स को वैल्यू जीरो पुट कर दिए, तो ई जो होगा जीरो पे और एल पे पूरा ये जीरो हो जाएगा। और जो आपका दूसरा वाला दिया रहेगा एट टी इक्वल टू जीरो इनिशियल कंडीशन जो रहेगा, इनिशियल कंडीशन क्या मतलब, आप टाइम ले रहे हैं ना, तो टी इक्वल टू जीरो मतलब क्या, आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू मतलब इनिशियल कंडीशन हो गया, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा आपका एफ एक्स। तो ई केस में आपका सोल्यूशन थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ पे साइन था इससे पहले वाला में देखिए, अब एक कॉस हो जाएगा, शुरू में ई नॉट अपन टू ई नॉट मतलब ई जीरो बाई टू प्लस समेशन, अब ई एन का एन रह गया, इसका डेरिवेटिव कर दिए तो इतना हो गया और बाकी जो ई वाला मल्टीप्लीकेशन में था ये सब ऐसे ही रहेगा, तो बस आपको इतना बदला आ, इतना जुड़ गया, ये हो गया याद रखने का तरीका। अच्छा, तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी ई एन निकालने का आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, सिमिलरली ए वाला है ना, यहाँ पे आप एफ एक्स रख के आप पूरा इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ तक, तो ए आप इंटू में टू बाई एल, तो ये आपका ई एन बन जाएगा। सबसे लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इसमें जो आपने ए बी में पढ़ा ना उस दोनों का इंक्लूजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाता है, ये नॉन जीरो हो जाता है, जो अल्फा और बीटा है ना ये दोनों नॉन जीरो है। ठीक है, जब जीरो था तब ऊपर तो पढ़ ही लिया, जब ये नॉन जीरो होगा और ए आपको एफ एक्स दिया होगा तब सॉल्यूशन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल जाता है।
ठीक है, तो तब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, जो सॉल्यूशन हो जाएगा वी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे वी कहां से आ गया, तो जो बी है, वी है ना, ये अपने आप में एक हीट इक्वेशन बना रहा है। यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है वी टी इक्वल टू अल्फा वी एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक जो हमने फर्स्ट एक केस माना था वही वाला देखिए, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो एंड एक्स इक्वल टू एल पे जीरो पूरा आ रहा, और वी एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स आ रहा। तो जो v है ये अपने आप में एक हीट इक्वेशन बना रहा है, और उसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो v होगा, और उस v को यहाँ पे पुट कर देंगे तो जो पूरा निकल जाएगा ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे तरीके को मैं ऐसा करता हूं ना, आपको c का एग्जांपल दे देता हूं, तो c का एग्जांपल दे दूंगा, तो इससे क्या होगा आपका जो ये देखिए ये जो ये वाला कंडीशन है ना, तो आप इसको भी सीख जाएंगे। दैट इज अगर मैं c का एग्जांपल देता हूं तो आप जो मेथड हमने a पढ़ा था ए में जो मेथड डिस्क्राइब किया वन, इसका भी आप तरीका सीख जाएंगे। अगर ए बी का दूंगा तो आप केवल एक ही सीख पाएंगे, फिर सी वाला नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आपको ये सी वाला देता हूं, आज सी वाला से सिखा देता हूं कि आपको कैसे इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप दोनों वाला सीख जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल मैं लेता हूँ गेट का, जो गेट में पूछा हुआ 2019 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, एक बार वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे उसके इक्वल है जो हम बता रहे थे। देखिए यहाँ पे ये दिया है, ये क्या दिया है आपको, ut इक्वल टू दिया हुआ है वन टाइम्स यू एक्स एक्स। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू आपका क्या हो गया, वन हो गया, और e प्लस में देखिए माइनस एक्स एक्स ई टू टी माइनस टू टी दिया हुआ है, और t पॉजिटिव, और ये देखिए। तो यहां से अगर कंपेरिजन करिए तो l इक्वल टू पाई आपका हो गया, ठीक है। और यहां पे देखिए u जीरो टू पे ये देखिए ये दोनों नॉन जीरो दे दिया, तो नॉन जीरो दे दिया इसका मतलब जो हमने लास्ट c वाला केस पढ़ा था वो वाला लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एफ एक्स देखिए दे दिया हुआ है, तो ये सारा डाटा को कलेक्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें, मेरे केस में मैंने सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ कि जब इस टाइप का हो तब इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन होता है यू इजकल टू वी प्लस ए प्लस बी होता है, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं किताब में आप क्या पढ़ेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन किस टाइप से दिया रहता है, वी इजकल टू यू प्लस ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से दिया रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस का माइनस कर सकते हैं, जो आपके इसी क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस, ठीक है, तो दोनों ही ठीक है क्योंकि प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा तो अल्टीमेटली सेम ही आंसर आता है, क्योंकि जब आप सोल्व करेंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, तो आप कौन सा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को पूरे को लिख लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। ओके, आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपको बता दें ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके नेट गेट सेट में भी आता है, पीएससी वगैरह में, पीएससी सेट में कम ही आता है, कहीं कहीं आता है, लेकिन इस दोनों में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो और भी एग्जाम होंगे जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करके मैं सारा डाटा लिख देता हूं कि यहाँ पे हमें क्या क्या गिवेन है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इजक्वल टू हमारा क्या है, वन हो गया, एल इजक्वल टू क्या हो गया, पाई हो गया, ये देखिए अल्फा इजक्वल टू यही था ना मल्टीप्लाइड एल इजक्वल टू पाई हो गया। ओके, एल क्या था, ए यहीं तक था ना, एक्स एल तक जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यू जीरो टी आपका दिया है माइनस ऑफ टी स्क्वायर, और दिया हुआ यू पाई ऑफ टी इक्वल टू दिया है माइनस ऑफ पाई ई टू टी माइनस टी स्क्वायर। ओके, और टी पॉजिटिव दिया है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। और यहां से एफ एक्स देख लीजिए, तो आपका एफ एक्स क्या था, यू एक्स कोमा जीरो इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स माइनस एक्स, ठीक है। बाकी ये सब दिया हुआ, तो पूछ रहे हैं वी क्या होगा, तो ये देखिए वो थर्ड केस जो हमने पढ़ा वही लग रहा है, तो इस पूरे कंटेंट को हम समझते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसे गिवन होगा, वी इक्वल टू यू प्लस, तो हम तो उस मेथड से कर या तो इस मेथड से कर, दोनों से बात बराबर ही आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग, यहीं पर मैं थोड़ा थोड़ा लिख के कोशिश करता हूं। ओके, तो यहां पे हमारा v ax t इक्वल टू दिया हुआ है u ऑफ x t प्लस x ऑफ e टू प्लस t प्लस t स्क्वायर। ओके ओके, तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमें अब क्या करना है, इस v के करस्पॉन्डिंग एक खुद का हीट इक्वेशन बनाना है जहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमें हीट इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, तो हम एक v कंस्ट्रक्ट करते हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे देखिए तो v जीरो टी क्या होगा हमारा, ठीक है, तो निकालते हैं एक बार। हियर
यू जीरो कोमा टी। अच्छा यहाँ पे जीरो रखेंगे तो पूरा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो प्लस जीरो और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहां से आप यू जीरो टी ले लीजिए, तो यू जीरो टी क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, वी ऑफ पाई कोमा टी, तो वी ऑफ पाई टी क्या होगा यू पाई कोमा टी प्लस, अब यहाँ पे एक्स की जगह हमें पाई रखना है तो ये हो जाएगा पाई ई टू टी और प्लस टी स्क्वायर। अब यहां से यू पाई टी का वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस पाई ई टू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस पाई ऑफ ई टू टी, ठीक है, एंड प्लस टी स्क्वायर। ये देखिए सारा कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अच्छा तीसरा हमें निकालना था जी एक्स, ठीक है, तो जी एक्स क्या था हमारा वी ऑफ एक्स कोमा जी एक्स कोमा जीरो, ये हमारा था जी एक्स, ठीक है, यहां पे रखते हैं ये हो जाएगा यू ऑफ एक्स कोमा जीरो और टी को जीरो रखेंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा प्लस एक्स बन जाएगा और टी तो जीरो खत्म, और यू एक्स जीरो पे यहां से वैल्यू लिख लीजिए तो क्या दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स माइनस एक्स और प्लस एक्स, दैट इज ए हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो एक सिर्फ बचेगा साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स। अच्छा इस साइन क्यू एक्स को आप रिड्यूस करने की कोशिश करिए, रिड्यूस क्यों करना है हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, समेशन में क्या था, अब हम ए ए ए फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्ट कर लिया है ना, तो फर्स्ट वाला में हमारा ई साइन का पावर कुछ है ही नहीं, तो साइन का पावर कुछ नहीं है तो हमारा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा ना, तो चलिए उसको हम साइन एन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू बदल रहा है पावर में कुछ नहीं बदल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं इसको फॉर्मूला से ब्रेक कर देते हैं, रिकॉल रिकॉल क्या करना है साइन एन थीटा वाला फॉर्मूला याद करिए, ठीक है, तो साइन थ्री थीटा इक्वल टू क्या होया करता था, ये होता था थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ओके तो यहां से साइन क्यूब थीटा क्या निकल जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा निकल जाएगा आपका ये हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा अपॉन में फोर। क्लियर। ओके तो अब यहां पे रखेंगे तो पूरा कंटेंट क्या बन जाएगा सिंपलीफाई होने के बाद, ये पूरा बन जाएगा आपका साइन एक्स माइनस, अब ए साइन क्यूब एक एक्स की जगह ए रख देते हैं तो इसके जगह हमने रख दिया थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन में फोर। क्लियर। ओके अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर में से थ्री गया ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन थ्री एक्स बटा में फोर। ठीक है यहां तक क्लियर सबको, वन बाय फोर साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं जी एक्स। तो यहां से हमें एफ सारा कंडीशन वी के टर्म में एक हीट इक्वेशन बन गया। सो हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता था रिकॉल करिए, जो फर्स्ट केस ए था, ठीक है, रिकॉल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इज वी ऑफ एक्स कोमा टी, याद करिए समेशन था कुछ एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी। ओके याद किसे करेंगे, जब डेरिवेटिव था तो समेशन ई नॉट बाय टू प्लस समथिंग हो रहा था, और जब डेरिवेटिव वाला नहीं था तो डायरेक्टली वन से शुरू हो रहा था, फिर यहां पे आपका ई एन था, फिर था साइन एन पाई बाई एक्स, फिर था आपका साइन एन पाई एक्स बाई एल, क्लियर, इन टू था ई के पावर एन पाई बाई एल, ठीक है, यहां पे माइनस अल्फा था तो अल्फा का वैल्यू वन है तो डायरेक्टली माइनस वन हो जाएगा ए स्क्वायर और ए टी था। अच्छा एल का वैल्यू भी हमारे पास पाई है, ठीक है, तो यहाँ पे एल का वैल्यू हमारे पास पाई है, तो अगर सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा समेशन एन इक्वल टू वन ई एन साइन पाई से पाई कट जाएगा तो ए बचेगा आपका एन एक्स माइनस ए पाई से पाई कट गया तो बचेगा माइनस एन स्क्वायर टी। क्लियर। ओके अब हमें यहां से ई एन फाइंड आउट करना होगा कि ई एन क्या होगा, तो ई एन देखते हैं क्या होता है, ई एन याद करिए क्या था, यहाँ पे इसके जगह एफ एक्स रख के पूरे को इंटीग्रेट हम करते थे, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई करते टू बाई एल से, एल का वैल्यू क्या है पाई, तो हमने रख दिया टू बाई पाई और ए इंटीग्रेशन ले लिया जीरो टू पाई, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स आपका क्या था जो भी होगा, तो यहाँ पे अभी फिलहाल वी के लिए हमारे जी निकाला था हमने ना, ए जी एक्स हो गया और ए साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, अब हमें ये चीज कैलकुलेट करना है, तो चलिए जी एक्स हमने थोड़ा देर पहले निकाला था उस वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, ए हो गया टू बाई पाई
जीरो टू पाई, ठीक है। और यहां पे जो हमने निकाला था वो था हमारा वन बाई फोर साइन एक्स था प्लस साइन थ्री एक्स था, ओके, और इनटू में हो गया ए साइन एन एक्स डीएक्स। अब यहां से कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब मुश्किल हो जाएगा, तो पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको 1 बाई फोर को बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाई टू पाई बन जाएगा, फिर ये 0 टू पाई बन जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दे रहा हूं, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ओके। और ये हो जाएगा आपका 1 बाई टू पाई इंटू, अब क्या होगा देखिए कैसे होगा ये भी देखिए, ठीक है, ओके। एक फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको जीरो से पाई इंटीग्रेशन पूछ रहा है साइन एन थीटा इंटू साइन एम थीटा डी थीटा, तो ये डायरेक्टली हो जाता है आपका जीरो अगर ये एम और एन इक्वल ना हो, और ये हो जाता है आपका पाई बाई टू अगर ये एम और एन इक्वल हो आपस में। तो यहां से देखिए, ठीक है, यहां से अगर हम इसको दो भाग में ब्रेक करते हैं, ठीक है, अगर n इक्वल टू वन हुआ, देखिए वन कैसे हमने निकाला, आपको सोचना कैसे, देखिए पॉसिबल क्या होगा, जब n इक्वल टू वन होगा तो a दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, और जब n इक्वल टू थ्री होगा तब a दोनों इक्वल हो जाएंगे, बाकी जगह क्या होगा, ये सब जीरो आ जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हम दोनों केस को एक साथ डिस्क्राइब करके लिख देते हैं यहां पे, ठीक है। तो अब जो हमारा बनेगा, जब n इक्वल टू वन लिया हमने तब इस दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और उस केस में हो जाएगा ये पाई बटा में दो। फिर हमने लिया, देखो टू पे क्या दे देगा, ए भी टू नहीं है, इसमें भी टू नहीं है, तो पूरा प्रोडक्ट जीरो दे देगा। तो हम नेक्स्ट लेते हैं एन इक्वल टू थ्री, इसके चलते थ्री पे भी क्या दे देगा, ये पाई बटा में दो, और थ्री के अलावा कुछ हो लीजिएगा अदरवाइज, तो ये क्या दे देगा, पूरा प्रोडक्ट जीरो, ठीक है। अब ये उठा कर रख दीजिए वहां से, यहां से आपको एन का वैल्यू पता चल गया ना, क्या जीरो, सॉरी वन थ्री एंड ऑल, तो बाकी वाली जगह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसको क्या करें, समय सीमा में उठा कर रख दीजिए, ठीक है। तो आपका समय सीमा क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, यहां से ई एन पता चल गया, ठीक है, ई एन को आप यहां भी, अच्छा फिलहाल एक चीज और देखिए, अगर हम फॉर ऑल की बात करें, ठीक है, हमारा ई एन निकला था, ठीक है, ये ई एन निकल गया आपका, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, दो ही केस बनेगा, क्या ई एन इक्वल टू बनेगा, ये दोनों केस में तो पाई बाई टू ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा वन बटा में फोर और जीरो, फोर का वन, एन इक्वल टू आपका वन और थ्री होगा तो वन बाई फोर बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, ई एन जीरो बन जाएगा। तो अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन में देखिए अदरवाइज जब जीरो रखेंगे तो काम खत्म है, तो सिर्फ हमें एन इक्वल टू वन और थ्री पे देखना है, ओके। शो हमारा, अब हम सोल्यूशन पे पहुंच गए एकदम बिल्कुल फटाफट, तो वी निकालिए, शो आपका वी एक्स टी क्या बन जाएगा, जो पूरा समेशन था एन इक्वल टू वन से इन्फिनिटी तक, अब ए जो पूरा कंटेंट लिखिए, इसके बाद क्या बन जाएगा, ये एक बार एन इक्वल टू वन के लिए ले लीजिए और एक बार एन इक्वल टू थ्री के लिए, बस दुइयों को कैश लीजिएगा, क्योंकि बाकी जगह तो जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट। तब इस दोनों को लिखते हैं क्या आता है, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा वन, दोनों ही केस में वन बाई फोर है तो मैं डायरेक्टली वन बाई फोर ले लिया, ठीक है, वन बाई फोर, फिर हो जाएगा आपका साइन एक्स ए टू माइनस टी, ठीक है, प्लस वन बाई फोर, अब एन इक्वल टू थ्री वाला लेंगे तो उसके समय आ जाएगा साइन थ्री एक्स ई टू, अब वहां पे देखिए क्या था, माइनस एन स्क्वायर, सो माइनस नाइनटी, ठीक है। तो यहां से आपका वी निकल गया, दैट इज वी इक्वल टू वी एक्स टी आपका आ गया वन बटा फोर टाइम्स, अच्छा ई टू वालों के भी बाहर ले लीजिए, कॉमन नहीं है, अच्छा कुछ कॉमन नहीं है, कोनो बात नहीं, हम इसको ले लेते हैं, साइन एक्स ई टू माइनस टी प्लस साइन ए थ्री एक्स था, थ्री एक्स ई टू माइनस नाइनटी, हो गया आंसर, और का देखिए इसमें जो भी आंसर होगा, आज के बाद मैं कुछ और भी सिखाऊंगा आपको, ओके। तो यहां से आप अपना ऑप्शन मैच करिए कि आपको कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ही था, तो क्वेश्चन में हमारे पास आया है वन बाई फोर सभी में आया, ठीक है, फिर हमारा क्या आया है, एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, वन बाई फोर बीच में प्लस है, एक्स ई टू माइनस टी, थ्री एक्स ई टू माइनस नाइनटी, ओके, देखते हैं, वन बाई फोर एक्स साइन एक्स ई टू माइनस टी साइन थ्री एक्स ई टू माइनस टी, ठीक है, माइनस नाइनटी, ये सही है, फिर यहाँ पे सेवन आ गया, खत्म काम,
इसमें 90 आ गया माइनस 3t आ गया, ये खत्म काम, ये 3 टाइम्स आ गया, ये खत्म काम, तो हमारा बचा जो फर्स्ट बचा। ओके तो यहां से हमने v निकालना सीख गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला देखिए, अगर हमारा v निकल जाए तो इस v को प्लस इस ax प्लस b को रख के आप पूरा u निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां से हम u निकालते हैं, ठीक है, जो इसके अकॉर्डिंग हमारा सो u x t क्या हो जाएगा आपका v ऑफ x t प्लस ax प्लस b। अच्छा, a और b आपको निकालना होता है, कैसे निकालते हैं चलिए मैं वो सिखाता हूं आपको। u को रखिए x इक्वल टू जीरो पर रखिए, तो a क्या आ जाएगा, तो u जीरो टी वाला डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं हम, x इक्वल टू जीरो ले लीजिए, तो x इक्वल टू जीरो पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा u जीरो कोमा टी, और u जीरो कोमा टी पर आपको क्या दिया हुआ था माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। मैं एक लाइन में आपको लिख दे रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, तो हमने ले लिया u जीरो कोमा टी इक्वल टू v ऑफ जीरो कोमा टी प्लस ये तो जीरो हो जाएगा ना, a इंटू जीरो प्लस b, ठीक है। यहां से हमारा b निकल जाएगा, तो b क्या हो जाएगा आपका u जीरो कोमा टी, ठीक है, u जीरो कोमा टी क्या था माइनस ऑफ टी स्क्वायर प्लस v जीरो कोमा टी क्या होगा आपका जो भी होगा, ये तो यहां पे दिया हुआ था ना, तो इसको आपको नहीं लेना है, आपको इन जनरल सोचना है, तो आपका हो जाएगा v जीरो कोमा टी, ओके, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि आपका ये वाला चीज जीरो होना चाहिए, कहां पे, जो एक्चुअली हमारे बोला था कि ये जो v होगा एक सोल्यूशन होगा वी टी, जहां पे वी टी आपका क्या होगा जीरो कोमा टी पे जीरो देगा, और वी ऑफ जो एल है एल कोमा टी पे जीरो देगा, तो यहां से ए वाला कंपोनेंट जीरो हो गया ना, तो ये जीरो हो गया, तो बी इक्वल टू क्या बचेगा आपका माइनस टी स्क्वायर, क्लियर, ओके। अब इसी तरह ए निकालिए, तो ए किसे निकलेगा, ए निकालते हम, ए के लिए एल इक्वल टू पाई रख दीजिए, यू ऑफ पाई कोमा टी इक्वल टू हो जाएगा वी ऑफ पाई कोमा टी प्लस एक्स की जगह हमने पाई रखा, तो ए हो जाएगा ए एक्स, और बी का वैल्यू क्या आ गया था माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो अब यहां से देखिए ई वाला वैल्यू क्या है जीरो हो रहा है ना, तो इसका मतलब एल इक्वल टू क्या पाई, तो ए वाला आपका काम जीरो हो गया। अब यहां से आपको ए निकल जाएगा, तो ए निकालिए क्या आता है, यहां से आपका ए हो जाएगा यू पाई टी क्या दिया था, यू पाई टी दिया था आपका माइनस ऑफ पाई ई टू टी, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर, ई उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर, और अपॉन में हमारा क्या बन जाएगा एक्स के लिए यहां पर हमने पाई रखा था ना, तो ये पाई हो गया आपका, ठीक है, तो ए पाई, तो ए अपॉन में पाई आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस ई टू टी, ओके। तो यहां से आपका एक कंप्लीट निकल गया, सो यू इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा सो, बस ये तीन स्टेप आपको शुरू में ही हो जाएगा, देखिए मैंने पीछे कहीं भी यूज नहीं किया, ये मैंने कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि वी जो है आपका हीट इक्वेशन में रहता है, सो आपका सोल्यूशन हुआ क्या हो जाएगा यू एक्स टू जो होगा v of x t plus ax plus b, b a a रहा और b a रहा और v वहां से निकाले थे, तो यहां से कर लीजिए आपका v equal to हो गया 1 by 4 times, ठीक है, e to minus t sin x, clear, e to minus t sin x plus 1 by 4 e to minus t sin x plus e to minus 90 sin 3x और a, a की जगह क्या है माइनस ई टू टी एक्स और b का है माइनस टी स्क्वायर, तो e आपका हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, e आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन u x t, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन से भी कोरिलेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन से देखिए u यहां पे दिया है ना, इस दोनों को उधर उठा के लाइए, तो u x t आपका क्या बन जाएगा v x t जो आया होगा उसमें से आप घटा देंगे x e to t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो अपना देखिए यही आया है, वी में से ई दोनों घटा है, तो यहाँ पे अपना आंसर देखिए क्या आया है, हम लोग जो किए थे ए वी था, वी में से पूरा घट गया, तो ए आपको समझ में आ गया, ठीक है, कैसे काम हो रहा है, तो ये सब लिखने के तरीके हैं, ठीक है। तो आपको यहां से आई थिंक हीट इक्वेशन की पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिसमें हमने दोनों मेथड जो पढ़ा था वो दोनों इम्प्लीमेंट हो गया। दोनों क्या पढ़ा था, एक सी वाला था जिसमें जब नॉन जीरो हो रहा था तब हमें लोग अप्लाई कर रहे थे, तो इसकी हेल्प से मैंने एक ए सी वाला मेथड क्लियर कर दिया, और बी भी आपका वैसे डायरेक्टली ए टू जेड डायरेक्टली, उसमें बस डेरिवेटिव वाला टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला और ये दोनों मेथड आपका क्लियर हो गया।
अब आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा कि अभी इस बी को वेरीफाई करिएगा। वेरीफाई करने के तरीके ए टू जेड सेम है, कहीं कुछ नहीं बदलना है, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन खोज के कर सकते हैं, बहुत सब कुछ कंसेप्ट तो पता ही चल गया, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे ये निकालते हैं, ठीक है। तो इसी में आप करिएगा, और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब इससे बनेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।